हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल तन सुमन क्लासेज एंड एम सुमन मैम वेलकम टू ऑल सो क्लास सेवन टू डी वी रीड चैप्टर नंबर फाइव इन योर हिस्ट्री बुक द ग्रेट मुगल्स सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द मुगल्स आज हम इन सब चैप्टर में मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मुगल्स इंडिया में आए और कैसे इन्होंने अपना एम्पायर इस्टबलिश किया

मदर साइड से तो वो ये थे और अगर फादर की साइड से बात करें तो तैमूर जो कि ईरान में थे तुर्की जो वर्तमान में तुर्की है वहाँ से बिलोंग करते थे लेकिन जो मुगल्स हैं वो अपने फादर साइड को ज़्यादा मानते थे यानी फादर की तरफ वालों को ये ज़्यादा अच्छा मानते थे अगर हम बात करें कि मुगल्स जो आए थे इंडिया में तो कैसे इन्होंने मैनेज किया सो टुडे वी विल रीड अबाउट द मुगल एम्पायर एंड द कंट्रोल अबाउट द होल इंडिया इन्होंने इंडिया में किस तरीके से कंट्रोल किया इन सब के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो जो सिक्स मुगल एम्परर हैं वो जो ग्रेट मुगल्स जिनको हम बोलते हैं आज हम उन्हीं सब के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे तो जो मुगल है बेटा वो इंडिया में जब आए तो बात करें कि इन्होंने बहुत लंबे समय टू सेंचुरीज तक इन्होंने शासन किया और जो सिक्स मुगल एम्पर हैं जो हैं वो जो इंडिया में आए उनको हम ग्रेट मुगल्स के नाम से जानते हैं अगर बात करें हम बाबर की तो स्टार्टिंग में अगर हम मुग़ल एम्पायर की बात करें तो ये पंद्रह सौ छब्बीस फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स से सेवनटीन सेवन तक ये रहा यानी फिफ्टीन सेवन से सेवनटीन सेवन तक के बीच में मुगल एम्पायर के लोग यहाँ पर रहे हालांकि एटीन फिफ्टी सेवन तक बादशाह जो थे वो भी रहे थे जैसा कि बहादुर शाह जफ़र हैं लेकिन अगर शक्तिशाली अगर हम माने तो जो छह मुग़ल एम्पर थे इनका शासनकाल माने तो पंद्रह सौ छब्बीस से सत्रह सौ सात तक के बीच में रहा अगर बाबर है हिमायू है अकबर है जहांगीर है शाहजहां है और औरंगजेब है इन सब के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है कौन बाबर अब बाबर की बात करें तो इनका जन्म जो है वो फरगना में हुआ था और 14 फैब 1483 में हुआ था और जहीरुद्दीन बाबर इनका पूरा नाम जहिरुद्दीन बाबर था जिन्होंने की 1526 से लेकर 1530 तक के बीच में अपना शासन किया और भारत में इब्राहिम खान लोदी जो कि दौलत खान लोदी ने बाबर को इंडिया से बुलाया इंडिया को आए, बाबर को इंडिया बुलाया यानी अब जब ये बाबर इंडिया में जब आए तब बात करते हैं हम तो बाबर और इब्राहिम लोदी में युद्ध हुआ और युद्ध हुआ कौन सा पानीपत का युद्ध हुआ था और ये कब हुआ था 1526 में यानी 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ इन सब के बारे में अगर हम पढ़े तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि द फर्स्ट मुगल एम्परर जो फर्स्ट मुगल एम्पर थे वो थे बहादुर बाबर सॉरी बाबर और ही रूल फॉरगना इन सेंट्रल एशिया एट दैट टाइम व्हेन द लोदी किंग्स वर रूलिंग ओवर द डेली सल्तनत ये उस समय फरगना में शासन करते थे जो कि सेंट्रल इंडिया में था जब लोदी शासक दिल्ली सल्तनत पे शासन कर रहे थे ठीक है यानी हमारे इंडिया में उस समय कौन थे उस समय लोधी शासन था अगर बात करें कि बाबर जो है उन्होंने बहुत सारे जो इंडिया की वेल्थ है उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और हमारे जो इंडिया की जो वेल्थ है उसी ने ही काफ़ी बाहर वाले लोगों को आकर्षित करा था यानी लोगों को वेल्थ की ज़रूरत थी और वो वेल्थ इंडिया में ही मिल सकती थी और ये अपॉर्चुनिटी कोई भी हासिल करना चाहता था तो जब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उनके पास में कि वो इंडिया हिंदुस्तान आए तो बैटल ऑफ पानीपत हुआ तो बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो 1526 में हुआ और वो बाबर और इब्राहिम लोदी में हुआ और लोदी जो शासन है उस समय क्या हुआ था लोदी शासक बहुत बड़ा फैला हुआ था लेकिन हम बात करें कि इब्राहिम लोदी उस टाइम जब शासक थे तो दौलत खान लोदी है ना इसने इनको बुला लिया था तो लोधी आर्मी वॉज मैनी टाइम्स बिगर हालांकि जो बाबर है उसके सेना से तो लोधी की जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी बहुत बड़ी हंड्रेड टाइम्स बड़ी थी हैड अ बैटल हार्डेड कैवलरी एंड एफिशिएंट आर्टलरी लेकिन बाबर जो है उसके पास में घुड़सवारी थी घोड़े वाली सेना थी जो कि बहुत कारगर साबित हुई उसके लिए एंड ही डिफिकड इब्राहिम लोधी एंड कॉन्क्रूट डैली इन आगरा और उसने क्या किया उसने इब्राहिम लोदी को युद्ध में हराया और दिल्ली और आगरा का शासन अपने हाथ में ले लिया द नेक्स्ट ईयर ही डिफीटेड राणा सांगा ऑफ मेवाड़ एट खानवा और दूसरे ही साल इन्होंने क्या किया इन्होंने 1527 में राणा सांगा को बाबर ने खानवा के युद्ध में हराया आपको ये डेट याद होनी चाहिए ये था फिफ्टीन 1527 फिफ्टीन में राणा सांगा को खानमा के युद्ध में पराजित किया द टू ईयर्स लेटर ही डिफिट अफगान चीफ और दो साल के बाद ही इन्होंने अफग़ान के जो चीफ हैं उनको परास्त किया और चंदेरी के युद्ध जो हुआ था चंदेरी के युद्ध में राजपूतों को भी इन्होंने हराया हालांकि अब क्या था आगरा और दिल्ली सूरों ने बाबर को हराया और शेर शाह सूरी परंतु बेटे कमजोर थे उनके है ना तो पंद्रह सालों तक मुगल भारत में नहीं रहा था है ना? अब अगर हम बात करें कि उफ, तो 1529 में घाघरा का जो युद्ध हुआ था, और घाघरा का अफगानों से युद्ध हुआ था यानी इस समय अफगान जो है ही डिफेटेड द अफगान और कौन सा युद्ध हुआ था घाघरा का युद्ध हुआ था सो दी थ्री बाबर पोजिशन इन नॉर्दर्न इंडिया और ये जो तीन प्रमुख युद्ध हैं इन्हीं के कारण बाबर की बाबर जो है इंडिया में स्टैब्लिश कर पाया बाबर स्थापित हो पाया इंडिया में पहला युद्ध है उसमें बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 1526 में इब्राहिम लोदी से युद्ध किया था जिसमें कि ये जीत गया और फिर इसने क्या किया खानवा का युद्ध किया जो कि राणा सांगा के साथ 1527 में किया जिसमें कि इसने राणा सांगा को पराजित किया अब बाद में बात करें अगर घाघरा के युद्ध जो हुआ था तो 1529 में इन्होंने बैटल ऑफ घाघरा हुआ था जिसमें कि अफगानों से युद्ध हुआ था अब जो बाबर है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई थी और बाबर ने अपनी पावर का सही इस्तेमाल किया और बाबर ने क्या किया अचीवमेंट जो थे उसकी जो उपलब्धियाँ थी अगर हम उसके बारे में बात करें तो बाबर वॉज अ ब्रिलियंट जर्नल जो बाबर हैं वो बहुत ही ब्रिलियंट जर्नल थे साथ ही साथ में और इन्होंने क्या किया अब इन्होंने बहुत अच्छे पोइट भी थे ये बहुत अच्छे राइटर भी थे यानी कविताओं का शौक़ था लिखने का शौक़ था इनको और बात करें इनकी ऑटोबायोग्राफ़ी की जैसा कि ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो इनकी ऑटोबायोग्राफी जो कि बाबरनामा है और माना जाता है जिसे कि तुझके बाबरी भी कहा जाता है यानी इनके तुझके बाबरी और बाबर नामा एक ही बात है जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है और ये टर्किश में लिखी गई थी ठीक है अब बात करें कि इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो टर्किश में लिखी गई थी लेकिन इन इट बाबर वॉज डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स क्लाइमेट एनिमल्स बर्ड्स फ्लावर्स फ्रूट्स एंड द लाइफ ऑफ द पीपल एंड द प्लेस ही विजिटेड यानी इसमें अपनी ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने वो सारी चीज़ें लिखी जहाँ जहाँ ये विजिट करते थे और इन्होंने इसमें क्या शामिल किया इन्होंने नेचर को इंक्लूड किया इसमें और अपने लाइफ के बारे में डिटेल में इन्होंने लिखा कि इन्होंने कहाँ कहाँ विज़िट किया इन्होंने किस किस को जीता अगर हम बात करें अगर बाबर की तो बाबर जो है वैसे तो क्या बात करते हैं कि बारह साल की उम्र में ही काबुल छोड़ दिया था और मंगोल जो इनके कॉम्पिटिटर थे उज्बेक जिनके तो काबुल पर अधिकार कर लिया था तो बाबर भारत आ गया था अब बाबर ने युद्ध में घोड़ों का इस्तेमाल किया था जो कि काफी कारगर हुआ था और इन्हीं घोड़ों की वजह से इसने पंद्रह में राणा सागर को हराया और 1528 में चंदेरी के युद्ध में अन्य राजपूतों को भी परास्त किया था और इसको कविता का बड़ा शौक़ था इसको जो लिखने का बड़ा शौक़ था उनके जो ऑटोबायोग्राफी बाबर नामा जिसे हम तुझ के बाबरी भी कहते हैं ये टर्किश भाषा में लिखी गई थी और साथ ही साथ बाबर के बारे में अगर हम देखें तो बाबर का जो टॉम है यानी आपको एक, एक एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं ये कि बाबर का जो टॉम है आराम बाग जो कि आगरा में था पहले लेकिन बाद में फिर वो काबुल में भी बनवाया गया अगर साथ ही साथ इसके बारे में बात करें कि इन्होंने कौन कौन से युद्ध करे तो इन युद्धों को याद करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि पानी पिया खाना खाया चांद देखा और घर गया यानी पी फॉर पानी पानी पिया तो पानीपत का युद्ध हुआ ठीक है ये कब हुआ फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स में हुआ खाना खाया खाना यानी खानवा का युद्ध हुआ और ये कब हुआ फिफ्टीन ट्वेंटी सेवन में हुआ चांद देखा यानी चंदेरी का युद्ध हुआ फिफ्टीन ट्वेंटी एट में और घर गया यानी घाघरा घाघरा यानी फिफ्टीन ट्वेंटी नाइन में इन्होंने ना ये युद्ध किया ठीक है अगर हम साथ में बात करें हिमायू की तो हिमायू जो है बेटा इसने तो अपनी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया और हिमायू को जब राजा बने तो शेर शाह सूरी जो थे वो एक अफगान थे जिन्होंने शासन किया था और 1555 में दिल्ली और आगरा सिकंदर सूरी से वापस ले लिया था अगर हम बात करें हिमायू की तो हिमायू क्या है इसके चार भाई थे ठीक है अब हम बात करें कि हिमायू ने अपनी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली और सभी से अपने शुरू से ही ये कहते हैं ना कि युद्धों में घिरा हुआ रहा और आखिर में अपने ही द्वारा बनाई गई लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरे और मर गए ये फिफ्टीन फिफ्टी सिक्स में और हामिदा बानो जो है इनकी पत्नी थी और जो इनका बेटा था वो अकबर है और मिर्जा कामरान इनका भाई था यानी 1531 में अगर हम बात करें तो 1531 में बाबर ने क्या किया बैटल ऑफ देवरा बैटल ऑफ देवरा जो लड़ा और वो शेरशाह को हारा शेरशाह हार गया 1533 में दीन पनाह लाइब्रेरी बनाई थी इन्होंने 1533 में दीनपनाह लाइब्रेरी बनाई जिससे कि बाद में वो गिर के मृत्यु को प्राप्त हुए थे 1539 में बैटल ऑफ चौसा उन्होंने करा और शे, शेर शेर शाह है वो उनसे जीत गया था और 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हुआ वो भी शेर शाह से से ही हुआ और वो बाद में पंद्रह सालों के लिए वापस कहाँ चले गए आधी जिंदगी तो उनकी स्ट्रगल में निकल गई थी और जब हार गए तो ये हिमाचल से हार के ईरान की तरफ चले गए और वापस हिमायू से जब वापस हिमायू आए तो इनकी जो गुलबदन बहन है इसने हिमायू नामा लिखा और हिमायू का मकबरा कहाँ है अफगान में है चलिए हम पढ़ते हैं अब हिमायू के बारे में तो हिमायू जो है वो बाबर के पुत्र है तो सबसे एल्डेस्ट सन है उनका नाम है हिमायू एंड द सन ऑफ द बाबर और बाबर के जैसे कि चार पुत्रों के अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर है कामरान है ना हिंदल और अंसारी यानी इनके चार पुत्र थे वर गिवन चार्ज ऑफ द स्मॉलर एरिया यानी बाबर को सबसे बड़ा जो बड़ा पुत्र था तो उसको सबसे बड़ा एरिया मिला अब एल्डर ब्रदर थे एल्डर सन थे तो इनके काफ़ी डिफिकल्टीज का भी सामना पड़ा द नेम हिमायू हिमायू मीन्स द फॉर्चून है ना तो फॉर्चून क्या था बट द सेकेंड मुगल एम्पर हैड मैनी प्रॉब्लम फ्रॉम द स्टार्ट यानी फॉर्चून इनका मीनिंग का जो वर्ड है हिमायु उसका मतलब निकलता है जिसमें कि इनको काफ़ी इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉपर सिस्टम उनको चलाना थोड़ा मुश्किल हो गया था सेकंड क्या है कि हिमायू के जो ब्रदर हैं है ना वो uh, डिसटिस्फाइड uh, थे क्योंकि वो चाहते थे कि वो सारी एरियाज़ uh, जो हिमायू को मिला है वो उन्हें मिलना चाहिए था एंड थर्ड क्या था किंगडम वाज अंडर द थ्रेड फ्रॉम ऑल साइड और चारों तरफ क्या था छोटे छोटे जो सामंत थे जागीरदार थे जो राजपूत थे है ना बहादुर शाह जो थे इनसे भी घिरा हुआ था और बाद में इनको इनसे युद्ध करना पड़ा सो द राजपूत बहादुर शाह एंड द रूल ऑफ़ गुजरात अफ़गान वर प्रिपेयरिंग फाइट हिमायू जो कि हिमायू से युद्ध करने के लिए तैयार थे अगर हम बात करें हमायूँ की तो हमायूँ ने क्या किया जब हमायूँ इनसे हार गया तो हमायूँ वापस ईरान की तरफ चले गए अब शेर शाह ऑफ अफगान किंग जो शेर शाह हैं वो स्टैब्लिश अ पावरफुल किंगडम इन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया एंड वांटेड टू एक्सपैंड टूवर्ड्स नॉर्दर्न साइड अब जो शेर शाह हैं वो अफ़गान के थे और उन्होंने ये क्या किया नॉर्थ साइड में अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते थे तो अब हिमायू से शेर शाह का जब युद्ध हुआ फर्स्ट टाइम हुआ था और ये हुआ था फिफ्टीन अब uh, 1532 वॉन द फिफ्टीन द फोर्ट ऑफ चनार एंड 1534 हिमायू डिफीटेड बहादुर शाह एंड कैप्चर्ड एंड मालवा गुजरात और मालवा को 1534 में इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया हिमायू डिड नॉट हैव एनी टाइम टू बिल्ड अपॉन द विक्ट्रीज लेकिन हिमायू के पास इतना समय नहीं था कि वो अपनी विक्ट्रीज के लिए कुछ बनाए शेर शाह रिग्रुप्ड अब क्या किया जब शेर शाह उनसे हारा तो उसे वापस रीग्रुप हुआ वो एंड डिफिटेड हिमायू किसमें चौसा के युद्ध में शेर शाह ने 1539 में हिमायू को हराया और साथ ही साथ 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ यानी ये आपको जरूर याद रखना चाहिए कि इसमें क्या है पंद्रह सालों तक कोई भी शासन नहीं रहा था यानी शेर शाह ने चौसा का युद्ध और कन्नौज के युद्ध में हिमायू को हरा दिया। हिमायू को हिमायू के किंगडम से ही बेदखल कर दिया गया और हिमायू कहाँ चला गया पर्शिया एंड स्पेंड द नेक्स्ट फिफ्टीन ईयर्स इन एक्साइल और पंद्रह साल तक वो यूं ही भटकता रहा ड्यूरिंग द टाइम इस समय के बीच में अब क्या हुआ था सूर एम्पायर जो था वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था अंडर शेर शाह के बीच में और सुप्रीम पावर जो थी उस समय कौन था शेर शाह थे अब 1555 में हिमायू रिटर्न इन इंडिया वापस जब फिफ्टीन फाइव में हिमायू वापस अपनी ताकत को बढ़ाकर जब इंडिया में आया तो शेर शाह हैड डाइड एंड सूर एम्पायर हैड बिकम वीक कब आया जब शेर शाह जब ख़त्म हो चुके थे और अब सूर एम्पायर बहुत कमज़ोर पड़ चुका था इसका फ़ायदा हिमायू ने उठाया और हिमायू फॉट एंड रिकैप्चर्ड द टेरिटरीज ही, ही लॉस्ट और जो हिमायू से शेर शाह ने जो टेरिटरीज जीती थी उसको वापस अपने मुगल एम्पायर में शामिल किया और शॉर्टली शॉर्टली थोड़े से ही समय में उसने उसको अपने अधिकार में कर लिया लेकिन ही फेल फ्रॉम द स्टेप ऑफ हिज लाइब्रेरी जो उसके द्वारा जो लाइब्रेरी थी वहाँ की सीढ़ियों से वो गिरा और शेर शाह मंडल एंड डाइड अ फ्यू डेज later और लाइब्रेरी के सामने वो गिर गया वक्त सन अकबर और बाद में उनकी जगह उनका बेटा कौन बना अकबर शासन शासन संभाल लिया अब हम सूर शाह की बात करें तो सूर शाह एम्पायर जो है वो फिफ्टीन फोटी से फिफ्टीन फिफ्टी फाइव यानी पंद्रह साल जब हिमायू बाबर से जब उनको सत्ता प्राप्त हुई तो पंद्रह साल बीच में कौन सा शासन रहा सूर एम्पायर रहा और सूर एम्पायर जो हैं उसके जो अध्यक्ष थे उसके जो राजा थे फेमस रूलर जो थे वो शेर शाह थे शेर शाह ने सब कुछ क्या किया जीतकर अपने अधिकार में ले लिया और बाबर को हिमायू को भागने के लिए मजबूर कर दिया था अब जब हिमायू चला गए तो शेर शाह वॉज अफगान जागीदार और अफगान जागीदार के बेटे थे ये और इनका रियल नाम था फरीद खान ठीक है फरीद खान उनका वास्तविक जो नाम था एंड ही वॉज गिवन टाइटल उनको शेर का नाम दिया गया क्योंकि इन्होंने क्या किया इन्होंने शेर को मारा था किल्ड अ टाइगर ठीक है तो जब बाघ को इन्होंने मारा बाघ को मारा तो उनको नाम शेर दे दिया गया ठीक है अब दर शेर शाह वॉज अ वेरी वे एम्बिशियस मैन ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे महत्वाकांक्षी थे ये बहुत ज़्यादा कुछ ही सालों में इन्होंने क्या किया अपनी बहुत बड़ी आर्मी को खड़ा कर लिया और प्रेजेंट डे जो कि आज के समय में बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल तक फैली हुई है ही डिफेटेड हिमायु इन्होंने हिमायु को दो बार दिल्ली दो बार हराया और दिल्ली को अपने अंदर शामिल कर दिया लोक शेर शाह का फोटो आपको दे रखा है पिक्चर ही एनेक्स्ट टेरिटरीज इन द निकोनाइज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिस्स एम्पायर इन्होंने नॉर्थ तक अपने टेरिटरीज को एनेक्स्ट कर लिया था अनफॉर्चुनेटली रूट फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ये हालांकि पंद्रह साल इन्होंने फोर्टी फाइव तक ही इन्होंने शासन किया है देन ही आफ्टर ही डाय है ना ये ख़त्म हो गए एंड ही वॉज बर्ड एज सर सा राम इनको बर्ड करा गया सासाराम नामक जगह पे अब हम बात करते हैं कि शेरशाह का जो टॉम है वो भी बनाया गया और जो अचीवमेंट है ये इनके अचीवमेंट बहुत ज़्यादा थे शेर शाह वॉज अ गुड जर्नल ये बहुत अच्छे जर्नल थे इनको बेटर एडमिनिस्ट्रेशन संभालना आता था और साथ ही साथ में जो मिलिट्री है जो रेवेन्यू है ये सभी बहुत अच्छे से बारीकी से ये समझते थे उसको और ही इंट्रोड्यूस न्यू करेंसी इन्होंने न्यू करेंसी को इंट्रोड्यूस करा जिससे कि सिल्वर कॉइन जिनको सिल्वर कॉइन का जो होते थे उनको इन्होंने नाम दिया रुपया जो कि हम लोग रुपया बोलते हैं ना रुपीज एंड नेटवर्क ऑफ रोड आपको पूरे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फेमस जो रोड बनवाई गई है जो ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है वो ना सिर्फ शेर शाह सूरी के द्वारा ही बनाई गई यानी उस समय में जो नेटवर्क ऑफ रोड था एक्सीलेंट था यह आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया है ना वो मेड तो आपको शेर शाह का नाम लिखना पड़ेगा यू मस्ट राइट डाउन द शेर शाह और एक्सीलेंट नेटवर्क था उस टाइम में रोड का जो ट्रेड था उसको इंकरेज करा इन्होंने बहुत और साथ ही साथ में इन्होंने वो अकबर ने भी कंटिन्यू किया अकबर ने भी वही सेम वही चीज़ करी जो कि शेर शाह ने किया था और शेर शाह सभी धर्मों को मानते थे ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजन टॉलरेंस ये ज़्यादा कट्टर नहीं थे ये सभी धर्मों को महत्व समान समान महत्वपूर्ण मानते थे समान उनको दर्जा देते थे रिस्पेक्ट करते थे ऑल रिलीजन्स का और वेलफेयर फॉर द ऑल पीपल एंड हिज ऑल सब्जेक्ट ये हर किसी जगह किसी भी विषय के लिए तैयार रहते थे वेलफेयर के लिए तैयार रहते थे और अपनी जनता के भलाई के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ काम करे एज रिगार्डेड एज द फोर रनर ऑफ़ अकबर जिसको कि आगे अकबर ने भी चालू रखे अगर हम बात करें शेर शाह की तो ये एक इस्लाम इस्लाम शाह जो थे सक्सीड बाय इस्लाम शाह ही कुड नॉट बिल्ड अपॉन द वर्क ऑफ शेर शाह हमायूँ इस्लाम शाह इन इस्लाम शाह जो कि इनके बेटे थे इनको हिमायू ने हराया और फिर क्या किया दिल्ली कैप्चर कर लिया ठीक तो है तो यानी हमायू जो हैं वो शेर शाह से हार गए थे लेकिन शेर शाह के बाद के जो जनरेशन थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी और इस्लाम शाह को इन्होंने 1555 में हराकर और हिमायू ने अपना रूल शुरू कर दिया बट क्या हुआ हिमायू है वो सीढ़ियों से गिर के ख़त्म हो गए अब हम बात करें अकबर की तो जो अकबर है बेटा अकबर का 1556 से 1605 तक इन्होंने शासन किया और सबसे ज़्यादा शासन करने वाले यही थे और जो सबसे कम टाइम में शासन किया वो थे हिमायू और अकबर जो है वो सबसे ज़्यादा शासन किया और औरंगजेब सेम एज़ औरंगजेब ने भी बहुत लंबे समय तक शासन किया था अकबर जो है वो ग्रेट रूलर थे मुग़ल जो एम्पायर हैं उनमें सबसे ग्रेटेस्ट रूलर इंडिया में अकबर को ही माना जाता है और द ग्रेट नाम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अकबर के आगे ही लगाया जाता है अकबर द ग्रेट ओके अब अकबर है जो वो तेरह साल की आयु में सिकंदरा में जो टॉम जो इनका सिकंदरा में इनका टॉम है ठीक है और तेरह साल के आयु में ही ये बन गए थे और बैरम खाने इनको सपोर्ट किया था ठीक है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था भारत में काफी रिफॉर्म काम भी इन्होंने करे सभी धर्मों को इन्होंने कॉलिब्रेट भी किया था इबादत खाने चालू करवाए थे डिबेट करवाई थी रिलीज पे अपने सौतेले भाइयों से इन्होंने काफी युद्ध भी करे और साथ साथ दिने इलाही जो धर्म है उसको भी इन्होंने बनाया और क्या किया अकबर ने महाराणा प्रताप जो कि मानसिंह जो कि अकबर के कमांडर थे है ना उनकी तरफ से आसरगढ़ को भी जीता इन्होंने तो अब हम बात करते हैं अकबर की तो इन्होंने अपना जो शासन है हालांकि इन्होंने युद्ध नहीं किया था लेकिन अकबर बिके ए किंग इन 1556 फिफ्टी मैन ही वाज़ ओनली थर्टीन ईयर ओल्ड यानी जब ये तेरह साल की उम्र के थे तभी इनको किंग बना दिया गया था और उस समय बैरम खान जो है वो अपॉइंट करे गए थे यानी उनकी देखभाल का काम बैरम खान का था ठीक है और सारी पावर जो है वो अकबर के पास आई अकबर डिफिट अकबर ने किसको डिफीट किया अकबर डिफिटेड हेमू द जनरल अफग़ान फोर्स इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हेमू को इन्होंने परास्त किया और वो कौन सा युद्ध था पानीपत का दूसरा युद्ध ठीक है अब पानीपत का दूसरा युद्ध इन्होंने लड़ा और किसको हराया इन्होंने हराया हेमू को अ फ्यू इयर्स लेटर ही एंडेड द रिगेंसी ऑफ द ब्राह्मिन बैरम खान एंड टुक ओवर द गवर्नमेंट और कुछ ही समय में इन्होंने बैरम खान से सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और अपना शासन शुरू करा ही कैन क्रूड ग्वालियर अजमेर जौनपुर इन फिफ्टीन सिक्सटी वन एंड ही एनेक्स्ट मालवा ऑल्सो इन्होंने मालवा को भी अपने अधिकार में किया और क्या कब लिया कब लिया इन्होंने फिफ्टीन सिक्सटी वन में मालवा को अपने अधिकार में कर लिया अकबर फोर्स हैंड ऑफ फ्रेंडशिप अकबर ने राजपूतों के साथ भी फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ाया और इन्होंने प्रॉमिस किया कि उनके रहते हुए उनके रहते हुए शांति रहेगी कोई युद्ध नहीं होगा और नॉलेज ऑफ अगर हम बात करें मुगल्स की तो ही अगेंस्ट राजपूत रू, रूलर्स हु हीस्ट दोड सिर्फ अकबर ने उन्हीं राजपूत शासकों के खिलाफ युद्ध किया जो कि उनको अपोज थे इन 1568 ही कॉन्क्रीट चित्तौड़ एंड रनथम्बोर इन 1568 में इन्होंने चित्तौड़ और रनथम्बोर को भी अपने अधिकार में लिया और ही डिफिटेड राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ इन द बैटल ऑफ द हल्दी इन्होंने 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी युद्ध किया और 1576 में किसको अपने अधिकार में लिया मेवाड़ को अकबर बिल्ट अ वास्ट एम्पायर अगर हम बात करें इनके एम्पायर की तो इनका एम्पायर बहुत बड़ा था वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ था गुजरात से वेस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ गुजरात से लेकर बंगाल, ईस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा तक ये फैला हुआ था ही एनेक्स लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल इंडिया और सेंट्रल इंडिया को इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में इन्होंने अपने अंदर शामिल कर रखा था जिसमें कि अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो कश्मीर सिंध काबुल कंधार और इन सभी को अपने एम्पायर में शामिल कर रखा था और डैकन की तरफ अगर हम जाते हैं तो इन्होंने खानदेश अहमदनगर को भी अपने कंट्रोल में कर रखा था लेकिन अगर अकबर की जो पॉलिसीज़ हैं अकबर की पॉलिसीज़ हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अकबर नामा से हमें ये पता चलता है कि अकबर की जो पॉलिसीज थी अकॉर्डिंग टू अकबर नामा तो राजपूत जो पॉलिसीज थी तो राजपूत जो उस समय में थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे ठीक है सपोर्टर्स थे वो मुगल्स के एंड ही ट्राई टू गेन देयर लॉलिटी इन द मैनी टाइम और उन्होंने अपनी ईमानदारी भी काफ़ी दर्शाई इन्होंने और हालाँकि मुगल्स ने उनको बड़े बड़े अहदे भी दिए थे अकबर डिफिटेड द राजपूत बट डिड नॉट हिमिलेट द उन्होंने क्या किया राजपूतों को हालांकि उन्होंने हराया था लेकिन उन्होंने उन्होंनेट नहीं किया था उन पर कोई अत्याचार नहीं करे थे ही टिटेड इन दैम वेरी ऑनर ऑनरलिबली यानी उनको बड़ा ऑनर से उन्होंने बड़ी इज्जत उन्होंने उनको बख्शी थी ही अलाउड मोर राजपूत किंग्स इन द कंटिन्यू रूलिंग ओवर द टेरिटरीज ही डिड नॉट इंटरफेयर इन दर इंटरनल मैटर्स हालांकि राजपूत जो किंग्स हैं उनको उन्होंने कंटिन्यू भी करने के लिए कहा था जो कि उन्होंने जीते थे लेकिन उनके आंतरिक मामलों में कभी भी अकबर ने हस्तक्षेप नहीं करा अकबर मैरिड इन टू राजपूत फैमिलीज ऑल्सो ही हिमसेल्फ मैरिड अ राज

इन्होंने जो राजपूत जो रूलर्स हैं इनको भी काफ़ी बड़े बड़े अहदे दिए थे जिसमें कि राजा मान सिंह है और साथ ही साथ में राजा बीरबल जो हैं ये जो दो, दो हैं ये इनके बड़े खास थे और इनको बड़े अहदे भी दिए थे अगर हम बात करें बीरबल की तो बीरबल इनके एडवाइज़र थे मान सिंह जो हैं वो इनके कमांडर थे टोडरमल जो हैं वो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे और तानसेन जो है वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे जो कि अकबर के रत्न जो नौ रत्न थे इसमें इनको हम सब को शामिल करते हैं और अकबर के जो ज्वेल्स ऑफ जो जो नौ रत्न थे ये ये बहुत हिस्ट्री में फेमस भी है तो इनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो अबुल फजल जो है उन्होंने अकबर नामा लिखा है और आयने अकबर भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है रिलीजियस पॉलिसीज जो है अकबर की तो अकबर रिलाइज दैट दिश अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर ही हैड टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज हिंदू सब्जेक्ट वो वर इन अ मेजोरिटी ही फॉलो द पॉलिसी ऑफ द टॉलरेंस एंड म्यूचुअल कॉन्सिडेंस यानी इन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखी अकबर ट्रीटेड ऑल हिज सब्जेक्ट एज इक्वल रिलीजियस एज ट्रीटेड एज अ इंडिविजुअल प्राइवेट अफेयर्स पीपल हैड टू फ्रीडम टू वर्शिप एज अ लाइक यानी अकबर के समय में जो व्यक्ति जो धर्म अपनाना

तो वो भी इन्होंने हटाए अब अकबर अपलाइज दार्टिसिपेट ऑफ द फोर्स दॉर ऑफ द स्लैम अकबर इवन इंकरेज दू बिल्ड टेम्पलो ग्रेंड्स टू मनी टेम्पल्स उन्होंने मंदिर बनवाने के लिए भी काफ़ी समय में इंक्रेज किया लोगों को और थोड़ा हेल्प भी करा अकबर पार्टिसिपेट इन हिंदू फेस्टिवल्स सच एज होली दिवाली एंड रक्षाबंधन अकबर गॉड द होली बुक्स ऑफ द हिंदूज एंड ट्रांसलेटेड इन टू द पर्शियन इन्होंने हिंदू जो बुक्स हैं उनको भी पढ़ा और उनके बारे में नॉलेज रखी और साथ ही साथ उनको ट्रांसलेट किया पर्शियन लैंग्वेज में अगर हम बात करें इनके समय में तो इ, इ, इबादत खाना जो था इबादत खाना इन्होंने बनवाया और इबादत खाना वो जगह थी जहाँ पे कि धर्म से जुड़ी बातें करी जाती थी अकबर वाज इंटरेस्टेड इन द लर्निंग अबाउट द डिफरेंट रिलीजन्स और उन्होंने डिफरेंट रिलीजन्स के ऊपर काफ़ी इनको इंटरेस्ट था तो इन्होंने उसको भी आगे फॉरवर्ड करा ही बिल्ड द इबादत खाना हॉल ऑफ वर्शिप एज द फ़तेहपुर सीकरी इन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया जहाँ पे कि धर्म से जुड़ी बातें करी जाती थी और साथ ही साथ उनके बारे में डिसीजन लिए जाते थे रिलीजियस टीचर्स होते थे सभी धर्मों के अगर हम बात करें तुके इलाही और द दीने इलाही तो दीन इलाही क्या था सभी धर्मों का एक ऐसा ग्रुप था बनाकर एक ऐसा गुच्छा बनाया था जिसमें कि सभी धर्मों की अच्छाइयों को शामिल किया गया था आफ्टर इंट्रस्ट विद द पीपल ऑफ़ द डिफरेंट रिलीजन्स मैनी ईयर्स अकबर कंक्लूड दैट द ऑल रिलीजन्स प्य द मर्ज मैसेज ऑफ लव उनको ऐसा था कि सभी धर्म हमें आपस में परस्पर प्यार और रिस्पेक्ट दिखाते हैं सभी धर्म हमें अच्छा सिखाते हैं तो इन्होंने सभी धर्मों की अच्छाइयों को उसमें शामिल किया और अच्छाइयों को शामिल करते वक्त इन्होंने कहा कि रिलीजन्स कुड बी कम्बाइंड फॉर्म अ न्यू क्रीड एंड पीपल ऑफ़ हिज एम्पायर विन वुड बेनिफिट इन्होंने कहा कि सभी लोगों को उसका बेनिफिट होना चाहिए सभी धर्मों की जो अच्छाइयाँ हैं उनको हमें इसमें शामिल करना चाहिए और इन्होंने इसमें यही शामिल करा और दिल इलाही इसको नाम दिया ही ऑल्सो डिक्लेयर हिमसेल्फ एज ए स्प्रिचुअल गाइड ऑफ ऑल हिज सब्जेक्ट्स और दीने इलाही से सिंपल पाथ जो दीने इलाही इन्होंने शुरू करा इन्होंने बोला कि भगवान को प्राप्त करने के लिए इंकरेज करने के लिए बहुत ही सिंपल रास्ता है कि आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं वर्शिप द सन इन्होंने वर्शिप द सन इन्होंने भगवान जो सूर्य देवता है फायर है और सोर्स ऑफ लाइट वॉज द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इट इन्होंने अपने उसमें दीने इलाही में इनको भी शामिल किया और साथ ही साथ अकबर ने किलिंग ऑफ एनिमल्स है ना डिस्करेज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए सती जो प्रथा है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करी और इन्होंने वर्शिप किया किसको सन को किया फायर को किया है ना इन यानी इन्होंने इनको भी बराबर उतना ही दर्जा दिया जितना इन्होंने अपने धर्म में दिया था अगर बात करें हम इन्होंने की तो इन्होंने समाज से बुराइयों को भी हटाने की कोशिश करी उन्होंने सती प्रथा को भी बंद करने के लिए कहा और इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे चीज़ें बना ली अकबर का एक एम था और वो एम था शांति रखना टॉलरेंस रखना है ना और आपस में भाईचारा रखना यही इन्होंने माना और दिन इलाही में बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने इसको शुरू करा सेम एज सेम एज़ दिनेलाही अगर हम दिन इलाही की बात करें तो जैसा कि सम्राट अशोक जो हैं उनकी जो पॉलिसी थी धम वाली वही दिन इलाही सिमिलर सेम वैसा ही ज्ञात होता है अब दीने इज नॉट अ न्यू रिलीजन ये नया धर्म नहीं था है ना इसमें क्या था कि वी हैव नॉट हैव एनी रिचुअल सीक्रेट बुक्स इनकी खुद की कोई बुक नहीं हुआ करती थी इनका खुद का पंडित नहीं हुआ करता था इनकी खुद की कोई एक रिचुअल्स नहीं हुआ करते थे इट इज़ ओनली कॉड ऑफ मॉरल कंडक्ट। ये यानी ये सिर्फ एक मॉरल कंडक्ट जो था उस पर आधारित था कि किस तरीके से हमें बर्ताव करना चाहिए किस तरीके से जो मॉरल वैल्यूज़ थी उनको हमें आगे तक फॉरवर्ड करना चाहिए और जो राजा बीरबल वॉज वन ऑफ द फ्यू हु डिड और राजा बीरबल जो हैं वो उन्होंने भी सेम वही काम किया राजा मान सिंह जो है वो यहाँ पे बहुत फेमस थे और साथ ही साथ में अब इन्होंने क्या किया दीन इलाही जो है अकबर के द्वारा जो शुरू करा गया था वो इनके जो बेटे हैं उन्होंने भी इनको आगे फॉरवर्ड रखा यानी उसको फॉलोड किया आगे भी इस धर्म को उन्होंने उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जितना कि इनके फादर अकबर ने दिया था सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल